Hello everyone, welcome to Economy Hub. So our next topic is SGF. SGF जो है वो एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. इसमें क्या होता है, जिसका जिस प्रोसेस का सबसे लेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम या जिस प्रोसेस का सबसे लीस्ट बर्स्ट टाइम होगा वो सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करेगा. और ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, मतलब सीपीयू इसे रिलीज नहीं कर सकता प्रोसेस को बीच में, टास्क होते हुए बीच में रिलीज नहीं कर सकता सीपीयू प्रोसेस. जैसे एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट P1, P2, P3, P4, इन सब का बर्स्ट टाइम दे रखा है, अराइवल टाइम नहीं है, तो हम इसे अराइवल टाइम को 0 एज्यूम करेंगे. 6, 8, 7, 3 इन सब में से सबसे कम बर्स्ट टाइम P4 का है, तो सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद P1 का है, तो उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद P3 का है, तो उसके बाद P3 एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद लास्ट में P2 का है, तो P2 एग्जीक्यूट होगा. अब वैसे वेटिंग टाइम निकालना है. वेटिंग टाइम क्या था, जो उसका वो है, मतलब जैसे वो स्टार्ट होता है प्रोसेस, वो माइनस द अराइवल टाइम. मतलब जैसे P1 स्टार्ट हुआ 3 पे, तो 3 माइनस अराइवल टाइम 0 एज्यूम हो रखा है सबका. 3 माइनस 0 P2 यहाँ पे गलत लिखा है शायद. यस, P2 जो है वो, ये P3 है एंड ये P2 है, राइट. P3 का है 9 माइनस 0, P2 का है 13 माइनस 0, 13 पे वो अराइव हुआ एंड 0 इज द अराइवल टाइम विच इज नॉट गिवन विच इज इक्वल टू 0. P4 है 0 माइनस 0, अराइवल टाइम 0. तो इन सब का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा. टर्न अराउंड टाइम होता है कम्प्लीशन माइनस द अराइवल टाइम. P1 कम्प्लीट हुआ 9 पे, माइनस 0, अराइवल टाइम इज एज्यूम्ड एज 0. P2 यहाँ पर भी यही चीज़ थी, मिस्टेक है. ये P3 है, ये P2 है. 24 माइनस 0 एंड P3 13 माइनस 0, P4 इज 3 माइनस 0. इन सब की एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा. So this was the first example of SGF with explanation that what SGF literally means. Thank you.